गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 28 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार डॉकर वॉल्यूम क्या होता है। बेहद दिलचस्प टॉपिक है और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक यूनिक टॉपिक है, डॉकर का एडवांस टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि यार एक वॉल्यूम बनाकर उसे शेयर कैसे किया जाता है। तो बेहद दिलचस्प टॉपिक है और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डॉकर वॉल्यूम क्या होता है। I want to take some time out and introduce to you a full stack program that I came across recently, the full stack Java developer masters program from Simply Learn. The course is very comprehensive and Simply Learn's award-winning blended learning approach adds that edge to the program by creating work-ready full stack web developer upon course completion. By taking up this course, you learn over 30 in-demand full stack tools and skills covering front-end, middleware and back-end Java web developer technologies. While going through this in-depth curriculum, you also get hands-on practice with 20 lesson and 6 phase and hands-on project and an industry-aligned capstone project in 4 domains. On completing the course, you not only get a globally accepted course competition certificate, but will also be inducted into the Simply Learn Job Assist program. This 12-month program may be ideal for you. You should definitely check it out. Click the link in the description to get started. सबसे पहले आप ऐसा माने कि डॉकर के अंदर हमने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से काम करना है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि सबसे पहले आपने अपना एक कंटेनर क्रिएट किया, ठीक है। अब ये कंटेनर आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डॉकर फाइल बनाई, ये आपने एक डॉकर फाइल बनाई और आपने इसके अंदर कुछ कोड्स अपने प्रोग्राम लिख दिया कि भैया ये चीज आपको क्रिएट करनी है। उस डॉकर फाइल से आपने क्या क्रिएट किया, उस डॉकर फाइल से आपने क्रिएट किया इमेज, और उस इमेज से आप क्या क्रिएट करेंगे, कंटेनर। बात समझ आ रही है, ये सारा काम कर चुके हैं। नहीं समझ आ रहा है तो डॉकर को दोबारा देखें, आप बादाम खाएं और जूस पिए, बढ़िया बढ़िया मौसमी का, संतरे का, अनार का, आम का। आम का तो जूस नहीं होता, खैर मैंगो शेक होता है। चले, तो डॉकर फाइल, इमेज और कंटेनर। तो अब आपने कंटेनर बना लिया, अब हम क्या करने वाले हैं कि इस कंटेनर में हम अपनी फाइल के अंदर ही यहां पर लिखेंगे कि भाई आप जो है एक हमारे लिए एक वॉल्यूम क्रिएट कर दो, है ना। वो हम फाइल के अंदर ही लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब ये कंटेनर क्रिएट होगा तो कंटेनर क्रिएट होने के बाद यहां पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा का क्या मतलब है। देखिए, वॉल्यूम कुछ नहीं होता, वॉल्यूम एक नॉर्मल डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी होती है। और डायरेक्टरी क्या होती है, अगर ये नहीं पता तो मैंने थप्पड़ मारना है आपके, ठीक है। लिनक्स में बहुत अच्छे से समझाया था, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है ना। तो आप एक नॉर्मल फोल्डर बनाते हैं, पर उस फोल्डर को डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया ये जो है आज से वॉल्यूम की तरह काम करेगा। वॉल्यूम यानी एक ऐसी स्टोरेज जिसे हम किसी दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, यानी हमने एक नॉर्मल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और इस डायरेक्टरी को एज अ वॉल्यूम क्रिएट करना है। हमें डायरेक्टरी बनाएंगे और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि भैया तुम्हारा काम वॉल्यूम है, तुम नॉर्मल डायरेक्टरी नहीं हो, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, ठीक है। अब जैसे आदमी होते हैं, हम सारे जैसे लोग हैं, हमारे बीच में से एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के 10 हाथ होते हैं। नॉर्मल इंसान होता है, उसको एक पोजिशन दे दी गई है प्राइम मिनिस्टर, भैया तुम चाहोगे तो तुम सड़क बनवा सकते हो, तुम चाहोगे तुम किसी को पैसे दे सकते हो, किसी की नौकरी लगवा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हमने कहा कि भैया आप एक डायरेक्टरी है, नॉर्मल डायरेक्टरी, पर आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप वॉल्यूम की तरह काम करोगे, यानी आपके अंदर जो भी डेटा है उसे शेयर किया जा सकता है दूसरे कंटेनर के साथ। वॉल्यूम का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक वॉल्यूम को दूसरे कंटेनर, तीसरे कंटेनर, जितने कंटेनर्स के साथ चाहें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहां का यानी यहां अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, कोई फाइल डालता हूं, तो वो दूसरे कंटेनर में, जो मेरा दूसरा कंटेनर है जिसके साथ ये वॉल्यूम शेयर किया गया है, तो ये यहां पर भी नजर आएगा वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम यहां नजर आ रहा है, अगर मैंने यहां पे कोई फाइल डाली तो ऑटोमेटिक वो फाइल इसको नजर आएगी, इस कंटेनर वाले बंदे को अपने पास ये वॉल्यूम नजर आ रही होगी और उसके अंदर ये फाइल नजर आ रही होगी। यानी मैंने अपलोड यहां पर करी है, मैंने डाली यहां पे, नजर उसको आ रही है, यानी ये वॉल्यूम दोनों के दरमियान शेयर हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप चाहें किसी तीसरे के साथ शेयर करना, किसी तीसरे कंटेनर के साथ शेयर करना, कंटेनर 3 के साथ शेयर करना चाहते हैं आप, उसके साथ शेयर कर दें,
ठीक है। हालांकि इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि बनाते टाइम ही वॉल्यूम को आप डिक्लेयर कर सकते हैं और ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन अभी आप एक कॉन्सेप्ट समझें कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम एक नॉर्मल डायरेक्टरी होती है जिसे हम एज अ वॉल्यूम डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका काम आज से वॉल्यूम की तरह काम करने का है। यानी आप में जो भी डेटा डाला जाएगा और आप जिसके साथ शेयर किए जाओगे, आपने उसको सारा डेटा बताना है, ठीक है। ये ऐसा समझे आपकी दफ्तर में होता ना, एक बंदे को कहते हैं आप पीए हैं हमारे डायरेक्टर साहब के, ठीक है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है तुरंत उनको जाके दे, ठीक है। तो अब ये के इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सारी की सारी इसको जाके देगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं और वॉल्यूम एज अ वॉल्यूम डॉकर फाइल के अंदर, और डॉकर फाइल से जब हमारा कंटेनर क्रिएट होगा तो एक वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा। इस वॉल्यूम में जो कुछ भी हम डालेंगे वो इसको नजर आएगा अगर हमने इस कंटेनर के साथ इस वॉल्यूम को शेयर किया है। अगर बाद में ये कंटेनर से आप इस कंटेनर के साथ शेयर करते हैं तो फिर यहां जो भी डाला जाएगा वो इसको भी नजर आएगा, इसको भी नजर आएगा। अगर अब मजे की बात, अब आपके सवाल दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर ये बंदा कंटेनर टू, ये कंटेनर वन है, कंटेनर टू में अगर ये बंदा कुछ डालेगा, इसने कोई फाइल डाली, तो क्या इसको भी यहां पे नजर आएगी? बिल्कुल। ये ऐसा समझे कि इन तीनों के दरमियान ये यहां बीच में कहीं शेयर हो रही है, जो कुछ भी डालना है यहां डालेंगे, इसको भी नजर आएगा, इसको भी नजर आएगा। तो यानी अगर ये बंदा कुछ अपलोड करेगा, कंटेनर टू वाला यहां पे कुछ डालेगा तो इसको इसको नजर आएगा, ये कुछ डालेगा तो इसको इसको नजर आएगा, सबको एक दूसरे का कंटेंट नजर आ रहा होगा। तो है ना दिलचस्प बात, अच्छी चीज है कि नहीं है? इसके साथ बड़े सारे बेनिफिट है। एक तो यह है कि अगर कंटेनर को डिलीट कर दो तब भी वॉल्यूम आपका रहता है, तो यानी उस वॉल्यूम का डेटा आपका बचा रहता है, कल को आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे दोबारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम डिलीट नहीं होता, कंटेनर डिलीट हो जाता है, वॉल्यूम डिलीट नहीं होता, आपको करना पड़ता है। तो कई सारे बेनिफिट है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आज हमने करना है लैब के अंदर, उसमें हमें यह कॉन्सेप्ट भी करना है कि पहले हम डॉकर फाइल से एक कंटेनर बनाएंगे और एक वॉल्यूम बनाएंगे, फिर हम एक दूसरा कंटेनर क्रिएट करेंगे और वहां पे हम शेयर करेंगे ये वाली वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम हम यहाँ पे बनाएंगे, वॉल्यूम वन, वो वॉल्यूम वन हमें यहाँ भी नजर आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो मैं आपको इसके अंदर एक और लैब करके दिखाऊंगा, उसमें हम डॉकर फाइल की जगह डायरेक्ट कमांड की हेल्प से हम लोग जो है ये वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और शेयर करेंगे। यानी पहले डॉकर फाइल की हेल्प से करके देखेंगे, फिर हम कमांड की हेल्प से करके देखेंगे। फिर जो हमें इसमें करना है वो हमें करना है कि अभी हम जो शेयर कर रहे हैं वो कंटेनर टू कंटेनर कर रहे हैं, यानी ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, कंटेनर टू कंटेनर हम शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप होस्ट टू कंटेनर भी शेयर कर सकते हैं, होस्ट टू कंटेनर। मैं अभी जस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में भी जाऊंगा। होस्ट टू कंटेनर आपका शेयर कर सकते हैं। होस्ट टू कंटेनर का मतलब अभी AWS पे आपने EC2 मशीन बनाई है, आपकी EC2 मशीन के ऊपर आपका कंटेनर चल रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ एक वॉल्यूम बनाएं और उसे आप शेयर कर दें EC2 के वॉल्यूम के साथ, यानी EC2 में जो कुछ भी आएगा वो इसे नजर आएगा और जो कुछ यहाँ डाला जाएगा वो मेरी लोकल मशीन यानी होस्ट पे नजर आएगा। तो आप होस्ट टू कंटेनर भी वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं, कंटेनर टू कंटेनर भी वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम फॉर्मली चलते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है और क्या इसकी लैब के स्टेप्स है। अब जरा बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, जरा डिटेल में बात कर लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम इज सिंपली अ डायरेक्टरी इनसाइड अवर कंटेनर। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि वॉल्यूम कुछ अलग से नहीं होता, डायरेक्टरी को ही हम एज अ वॉल्यूम डिक्लेयर कर देते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर दिस डायरेक्टरी एज अ वॉल्यूम एंड देन शेयर वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, वॉल्यूम को, हमें डायरेक्टरी को एज अ वॉल्यूम डिक्लेयर करना है और उसके बाद जो काम करने हैं, जिसके साथ शेयर करना है, हम कर सकते हैं। इवन इफ वी स्टॉप कंटेनर स्टिल वी कैन एक्सेस वॉल्यूम। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि कंटेनर के बंद होने के बाद भी, स्टॉप होने के बाद भी, ये वॉल्यूम बाकी कंटेनर जिनके साथ शेयर किया जा रहा है वहां से एक्सेस की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। तो ये वॉल्यूम आप एक्सेस कर सकते हो, इवन जो कंटेनर बंद है उसके बंद होने के बावजूद आप अपने EC2 इंस्टांस से इस वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हो। तो वॉल्यूम आपका एक्सेसिबल रहेगा, यानी एक बार वॉल्यूम बन गया तो उसके बाद कंटेनर बंद होने के बाद भी ये वॉल्यूम आप एक्सेस कर सकते हो।
वॉल्यूम विल बी क्रिएटेड इन वन कंटेनर। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटेनर में, किसी एक कंटेनर में वॉल्यूम पहले क्रिएट होगा, बाद में औरों के साथ शेयर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उस वॉल्यूम को हमें दोनों जगह क्रिएट करना है तब शेयर होगा या कुछ ऐसा है, नहीं। आप वॉल्यूम को एक बार एक कंटेनर में क्रिएट कर दें, उसके बाद शेयर उसे कितने भी कंटेनर्स के साथ कर सकते हैं, सबको नजर आ रहा होगा। और सिर्फ शेयर का मतलब ये नहीं है कि ये इसमें जो डेटा मैं डाल रहा हूं वो बाकी लोगों को दिख रहा है, वो जो कुछ डालेंगे वो भी मुझे दिखेगा। ये वॉल्यूम सबके बीच में कॉमनली शेयर हो रहा होगा, वो कुछ डालेंगे वो मुझे दिखेगा, मैं कुछ इस वॉल्यूम के अंदर या इस डायरेक्टरी के अंदर डालूंगा डेटा वो उनको दिखेगा। बात समझ आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना। You can declare a directory as a volume only while creating container. ये बड़ा important है भाई। आप ऐसा नहीं है कि existing container जो बने हुए हैं आपके, आप उनमें अब volume बना दो। Volume container बनाते time ही बनाना पड़ता है, declare करना पड़ता है। ये बात आप याद रखिएगा। Container बनाते time ही volume आपको create करना पड़ेगा, और जिसके साथ share करना है उसके साथ आप share भी करना पड़ेगा। You can't create volume from existing container. तो आप अगर existing container पहले से container है तो वहां volume create नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आपको container बनाते time बताना पड़ता है कि मैं इस नाम की एक directory बना रहा हूं और इसे as a volume बना रहा हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि volume हम generally एक ही बनाते हैं, हम एक से ज्यादा volume कभी declare नहीं करते अपने container के अंदर। ठीक है, आप कर सकते हो, but local machine पे आप कर सकते हो, आप EC2 instance पे एक volume, दो volume, कितने भी बना लो, बट कंटेनर के अंदर हम सिर्फ एक वॉल्यूम डिक्लेयर करते हैं। सो दैट वो एक, जैसे डॉकर फाइल थी, तो डॉकर फाइल आप सिर्फ एक बार बनाते हैं, उसमें आप कोड कितनी बार भी डाल लें, इसी तरीके से यहां वॉल्यूम भी आप कंटेनर में एक ही बनाते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल वॉल्यूम्स कभी क्रिएट नहीं करते हैं, राइट। तो आपने एक ही वॉल्यूम बनाना है और उसको आप जितने लोगों के साथ चाहे शेयर कर सकते हैं, लोगों से मतलब है मेरा कंटेनर्स। ठीक है, यू कैन शेयर वन वॉल्यूम अक्रॉस एनी नंबर ऑफ कंटेनर, तो शेयर कितने भी नंबर ऑफ कंटेनर्स के साथ किया जा सकता है। वॉल्यूम विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हेन यू अपडेट एन इमेज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सपोज करें आपने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपने एक वॉल्यूम बना लिया, वॉल्यूम वन नाम से आपने एक वॉल्यूम बना लिया। अब आप कहते हैं भाई मेरे कंटेनर में बहुत सारी फाइलें हैं, सब कुछ है, मैंने इसकी एक इमेज बनाई, मैंने अपने कंटेनर की इमेज बनाई, जो मैं पिछली लैब में आपको करा चुका हूं कि कंटेनर से इमेज कैसे बनाते हैं, मेरे खुद के कंटेनर की इमेज कैसे बनाते हैं, मैंने इमेज बना ली। अब इमेज बना के मैंने यहां पे एक और कंटेनर क्रिएट किया, तो यहां पे ये एज अ वॉल्यूम काम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। आप जब अपने रनिंग कंटेनर से इमेज बनाते हैं और उस इमेज से कंटेनर बनाएंगे, तो यहां अब ये आपस में शेयर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये आपस में शेयर नहीं होगा। हाँ, जो कुछ यहां पड़ा है वो यहां नजर आएगा, बट उसके बाद आप यहां कुछ जो भी डाल रहे हो इस कंटेनर के बनने के बाद, इसकी इमेज बनाने के बाद, इमेज से पहले जो कुछ काम आप कर रहे हो कर लिया, उसके बाद आपने इमेज बना दी, यानी वो सारा डेटा तो इमेज में आ गया। ठीक है, उसके बाद इस कंटेनर का इस कंटेनर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी रनिंग कंटेनर की इमेज बनाते हैं और उससे कंटेनर बनाएंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट आपस में वॉल्यूम वॉल्यूम कनेक्ट नहीं होंगे कि वो वॉल्यूम यहां पर आ गया। और अब हाँ, आपको इस नाम से डायरेक्टरी यहां नजर आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि आपने इमेज बनाई है, तो इमेज में उस नाम से डायरेक्टरी थी, तो वो तो यहां भी नजर आ रही है, यहां भी नजर आएगी, तो यहां वॉल्यूम वन नजर आएगा, बट ये वॉल्यूम की तरह काम नहीं करेगा, सिंपल डायरेक्टरी की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां पे कुछ भी डालने से यहां नजर नहीं आएगा, यहां कुछ डालने से यहां नजर नहीं आएगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आप शेयर कैसे कर सकते हैं? आप कंटेनर टू कंटेनर शेयर कर सकते हैं। भैया ये मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर वन, और ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है, मैं इन दोनों के दरमियान शेयर कर रहा हूं, या और किसी के भी साथ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं, मैं इन दोनों के दरमियान शेयर कर सकता हूं। दूसरा, जो मेरा होस्ट होता है, होस्ट यानी EC2 मशीन, मैं अपने AWS पे लैब आपको करके दिखा रहा हूं, तो वहां पे जो मेरी EC2 मशीन है, अगर मैं यहां कोई वॉल्यूम बनाता हूं और यहां पे इसके ऊपर कंटेनर चल रहा है और यहां पे एक वॉल्यूम है, तो ये मैं आपस में शेयर कर सकता हूं। ठीक है, होस्ट टू कंटेनर, तो होस्ट होता है जहां पे हमारा कंटेनर चल रहा होता है, आपको पता ही है। तो होस्ट टू कंटेनर भी मैं वॉल्यूम शेयर करा सकता हूं, वॉल्यूम बना के मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, EC2 इंस्टांस में आप एक करें या आप अपने कंटेनर में कर लें, उसको आप शेयर कर दें। बनाते टाइम ही आपको बताना पड़ेगा कि आप EC2 इंस्टांस के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो शेयर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पे आपको ये और बता देता हूँ कि इसके यूजेस क्या हैं, इस कंटेनर के बेसिक से बातें, हालांकि वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है, बट फिर भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि भाई वॉल्यूम बनाने के क्या यूजेस हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो भैया बेसिक से बुनियादी बेनिफिट मैंने लिख दिए, जैसे कि पहला बेनिफिट क्या है, डीकपलिंग कंटेनर फ्रॉम स्टोरेज, यानी कंटेनर को और वॉल्यूम के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन नहीं रहता कि कंटेनर डिलीट होगा तो वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा, कंटेनर के डिलीट होने के बाद भी वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है, यानी कंटेनर के डिलीट होने से हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, जो वॉल्यूम में पड़ा है वो रहेगा। शेयर वॉल्यूम अमंग डिफरेंट कंटेनर्स, दूसरी बात आप अपने वॉल्यूम्स को डिफरेंट कंटेनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। अटैच वॉल्यूम टू कंटेनर्स, आप इस वॉल्यूम को मल्टीपल आप कह सकते हैं कंटेनर्स के साथ शेयर कर रहे हैं या अटैच कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग उसी वॉल्यूम में आपको बार बार मल्टीपल टाइम उस फाइल को, सपोज मैंने एक फाइल डाउनलोड करी, बहुत बड़ी फाइल है, तो हर किसी को उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने वॉल्यूम शेयर किया हुआ है, मेरी वॉल्यूम में वो पड़ी है, तो वो वैसे भी उसको उठा सकता है और इंस्टॉल कर सकता है, तो ये एक बेनिफिट है। ऑन डिलीटिंग कंटेनर वॉल्यूम डज नॉट डिलीट, ठीक है, क्योंकि डीकपल हो गया है, डीकपल का मतलब है दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन कि इसके डिलीट होने से ये भी डिलीट हो जाए, जैसे होते हैं ना सीरी फरहाद और लैला और मजनू, लैला मर गया मजनू भी मर गया, अब वो जमाने नहीं रहे, तो अब कंटेनर में भी ऐसा ही होता है, कंटेनर के खत्म होने से वॉल्यूम खत्म नहीं हुआ करती, कहानी खत्म नहीं हुआ करती, ठीक है। तो चले अच्छी बात है, ऑन डिलीटिंग कंटेनर वॉल्यूम डज नॉट डिलीट, तो ये नहीं मरने वाला, ठीक है। तो वैसे भी आजकल कौन किसके मरने से मरता है ना, वो एक शायर ने एक शेर भी कहा था कि मैं मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है कि आप किसी के जाने से कौन मरता है, तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा, तो चले होता है कभी कभी ऐसा भी, सुनाएंगे अभी लेक्चर के ख़त्म होते हो तो शायद मेरे दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो चले अब आगे लैब की बात कर लेते हैं, तो अब देख लेते हैं कि लैब में हम लोग क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग अ वॉल्यूम फ्रॉम डॉकर फाइल, तो एक डॉकर फाइल बनानी है, वो कैसे बनती है आपको पता है, अगर आप भूल गए हैं तो बादाम सच में खाने शुरू कर दें, वी आई डॉकर फाइल, ठीक है ना, तो आप वी आई डॉकर फाइल करके एक बनाएंगे तो आप एडिटर में पहुंच जाएंगे, फिर आपने उसके अंदर क्या लिखना है, फ्रॉम उबुंटू, यानी उबुंटू इंस्टॉल कर दो मेरे भाई, और उसके बाद एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आपको कैपिटल में, मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें कैपिटल में लिखनी है आपको, तो आप वॉल्यूम लिखेंगे उसके बाद स्पेस देके ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में रूट डायरेक्टरी के अंदर, ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है रूट डायरेक्टरी, और उसके बाद माई वॉल्यूम वन के नाम से भैया एक वॉल्यूम क्रिएट कर दो, पर ये एक्चुअली मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं मैं, पर क्योंकि मैंने बाहर वॉल्यूम लिखा है इसलिए ये एज अ वॉल्यूम ट्रीट होगा, तो मैंने ये डॉकर फाइल के अंदर लिखना है, एग्जिट करना है, बाहर आना है, बाहर आने का तरीका आपको पता है कॉलन डब्ल्यू क्यू करके बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने इस डॉकर फाइल से एक इमेज क्रिएट करनी है, तो इमेज कैसे क्रिएट होती है मैं अब पूछूंगा नहीं क्योंकि मैंने लिख दिया है, आप चीटिंग कर लेंगे, तो नहीं तो मैं आपसे पूछने वाला था, तो डॉकर बिल्ड, बिल्ड मतलब भाई इमेज बना दो, ठीक है, बिल्ड का मतलब ही होता है कुछ बनाना, है ना, तो इमेज बनाने के लिए डॉकर बिल्ड कमांड इस्तेमाल होती है, तो आप डॉकर बिल्ड हाइफन टी, टी क्या है, टैग है, यानी कि भैया नाम क्या देना चाहते हो इमेज को, मैं कहता हूं कि माई इमेज नाम दे दो, और आगे ये छोटी सी जो डॉट है ना ये जरूर लगा देना, नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा, करंट डायरेक्टरी के लिए है कि डॉकर फाइल में जो कुछ पड़ा है वो यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए ये है। नाउ क्रिएट अ कंटेनर फ्रॉम दिस इमेज एंड रन, अब आपको पता है कि भैया इमेज बन जाए तो कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, बड़ी पॉपुलर कमांड है हमारी डॉकर रन वाली, तो अब देखिए एक चीज आपको और बता दूं कि डॉकर रन जो कमांड हम चलाते हैं ना इससे कंटेनर क्रिएट होता है और साथ साथ रन भी हो जाता है, अदरवाइज हमारे पास ये कमांड भी होती है, हम पहले कंटेनर क्रिएट करें और बाद में उसको रन करें, ठीक है, पर मैं जो कमांड चलाता हूं उसमें हम लोग दोनों काम एक साथ करते हैं, कंटेनर क्रिएट भी करते हैं और उसके बाद उसे रन भी कराते हैं, तो आपके लिए आज का सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि वो कमांड कौन सी है जिससे कंटेनर खाली क्रिएट होगा रन नहीं होगा, और उसके बाद वो कमांड कौन सी है जिससे कंटेनर रन होगा, तो दो अलग अलग जो कमांड्स है जिन्हें जोड़ के मैं यहां लिख देता हूं, आपने मुझे वो अलग अलग बतानी है कमेंट सेक्शन में कि वो कमांड कौन सी है जिससे कंटेनर क्रिएट होता है, खाली क्रिएट होगा रन नहीं करना, और वो कमांड कौन सी है जिससे कंटेनर खाली रन होता है, उसके बाद अगर मैं उसे रन कराना चाहता हूं और कंटेनर के अंदर आना चाहता हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंटेनर को क्रिएट कर रहा हूं उस इमेज से और उसको रन भी कर रहा हूं, कमांड क्या है, डॉकर रन हाइफन आईटी, नेम देना है कंटेनर को, मैंने नेम दे दिया है जी कंटेनर वन नाम, मैं उसको दे रहा हूं,
किससे बनाना है, माई इमेज से बनाना है, तो कंटेनर का नाम देने के बाद आपको उस इमेज का नाम लिखना पड़ता है जिस इमेज से आप इस कंटेनर को बना रहे हैं, और उसके बाद हमारे जय और वीरू बिन बैश आप लगा दें, ठीक है। नाउ डू एलएस, अब आप एलएस करके देखेंगे ना, जब अपने कंटेनर के रन होने के बाद आप जब एलएस करेंगे तो आपको माई वॉल्यूम नाम की एक डायरेक्टरी आप कह लें वो आपको नजर आएगी, जो आपको बाकी सारी फाइलें वहां पे नजर आती है ना, यूएसआर भी नजर आती है, बिन भी नजर आती है, उसके साथ एक माई वॉल्यूम वन भी आपको नजर आ रहा होगा, एक डायरेक्टरी आपको रूट के अंदर नजर आ रही होगी, और यही एज अ वॉल्यूम काम करेगी, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई। अब भैया ये काम तो हो गया, कंटेनर बनाते टाइम ही मैंने उसको क्या, अच्छा अभी तो मैं डॉकर फाइल से बना रहा हूं तो अभी मैं वो बात नहीं कर रहा। आप कहेंगे सर यहां पे कंटेनर बनाते टाइम हमने वॉल्यूम नहीं डिक्लेयर किया है ना, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने कंटेनर किससे बनाया, इमेज से बनाया, और इमेज में मैं डिक्लेयर कर चुका था वॉल्यूम। तो यहां कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप डॉकर फाइल से कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि डॉकर फाइल में आप पहले ही वॉल्यूम को डिक्लेयर कर देंगे ताकि जब कंटेनर बने तो वो अपने आप वॉल्यूम बन जाए, क्योंकि एक बार बन गया अब बाद में आप वॉल्यूम नहीं बना सकते इसके अंदर। तो बनाते टाइम ही जब इमेज से बनाया तो इमेज के अंदर वो कमांड होनी चाहिए वॉल्यूम वाली, समझ आ रही है बात। इसीलिए मैंने कहा था कि कंटेनर बनाते टाइम ही आपको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, ये काम हो गया। नाउ शेयर वॉल्यूम विद अनदर कंटेनर, ठीक है। नाउ शेयर वॉल्यूम विद अनदर कंटेनर, तो अब हम दूसरे कंटेनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, कंटेनर हमारा बन गया कंटेनर वन के नाम से है ना, ये मैंने कंटेनर वन बनाया है, तो मैं अब इसे कंटेनर टू के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंटेनर वन है और ये मेरा कंटेनर टू है, तो क्या करेंगे, अब मैं इसे जब शेयर करना चाहता हूँ तो कंटेनर मेरे पास है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं जो लैब करूंगा बिल्कुल फ्रेश से करके दिखाऊंगा डॉकर को बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने पुरानी मशीन डिलीट कर दी थी लास्ट लैब में, आपको याद हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले कंटेनर बना लेता हूँ, तो docker run hyphen it name container 2, जो नया कंटेनर है वो पहले बनाएंगे आप, न्यू नहीं लिखना है आपको, न्यू तो मैंने जस्ट आपके लिए बताया कि यहां पे ये न्यू वाला है और जो ये वाला है ये आपका ओल्ड वाला है ना। तो आपने क्या करना है, जो बनाना है जिस नाम से कंटेनर उसको यहां लिखेंगे आप उसके नाम को। मैं कंटेनर 2 बनाना चाहता हूं, ubuntu इंस्टॉल कर दो, बस साथ के साथ कंटेनर 1 से एक वॉल्यूम उठा के ले आओ, ठीक है। अब मैंने यहां वॉल्यूम का नाम नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि कंटेनर वन में एक ही वॉल्यूम है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कंटेनर में हम जनरली एक ही वॉल्यूम डिक्लेयर करते हैं एज अ वॉल्यूम, एक ही डायरेक्टरी को एज अ वॉल्यूम बनाते हैं, सो दैट उसको अपने आप पता चल जाए, डिफॉल्ट वॉल्यूम वही होता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने कंटेनर बनाते टाइम ही, जब मैं ये कंटेनर बना रहा हूं तभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको शेयर करूंगा। मैं आपको क्या बता रहा था कि जब अभी हम कंटेनर बना रहे हैं तो कंटेनर बनाते टाइम ही हम उस वॉल्यूम को जिसके जिसको भी हम शेयर करना चाहते हैं, अब मैं दूसरा कंटेनर बना रहा हूं, अब मैं जिसको भी शेयर करना चाहता हूं, जिस भी वॉल्यूम को मैं इस कंटेनर के साथ शेयर करना चाहता हूं वो बनाते टाइम ही कर सकता हूं, बाद में नहीं कर सकता। तो बनाते टाइम ही मुझे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर मैं किसी दूसरे वॉल्यूम को इसके साथ अटैच करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, तो वो मुझे बनाते टाइम ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब जब मैं नया कंटेनर बना रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे ही लिख दिया कि आपने कंटेनर वन का जो वॉल्यूम है उसको आपने इसके साथ अटैच करना है, मतलब शेयर करना है, ठीक है। कंटेनर वन के वॉल्यूम को मैं शेयर करना चाहता हूं और प्रिविलेज में ट्रू दे दिया है मैंने कि जो भी उसको राइट्स है रीड के, राइट के सारे राइट्स उसको मिल जाए, कि ये बंदा भी जो है कंटेनर टू वाला ये इस वॉल्यूम में कुछ भी डाल सके, कुछ भी डिलीट कर सके, तो वो राइट इसको मिल जाए, उसके लिए मैंने प्रिविलेज ट्रू कर दिया। यानी कंटेनर बनाते टाइम ही आपको ये वॉल्यूम जिस भी वॉल्यूम के साथ जिस भी वॉल्यूम को आप शेयर करना चाहते हैं वो आपको देना पड़ेगा, बाद में नहीं आप कर सकते, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, तो ये कमांड हम चलाएंगे जिससे कि क्या होगा, अब मेरा जो नया कंटेनर बनेगा कंटेनर टू उसके अंदर मुझे कंटेनर वन का वॉल्यूम नजर आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बनाते टाइम ही उसको शेयर कर लिया है इसके साथ है, क्योंकि वॉल्यूम को आप कर सकते हैं, ये आपके पास प्रिविलेज है। तो मैंने शेयर कर दिया है कंटेनर टू को बनाते टाइम ही, कंटेनर वन का वॉल्यूम भी मैंने कमांड में लिख दिया, तो अब वो शेयर हो गया। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग कंटेनर टू माई वॉल्यूम वन इज विजिबल, तो मुझे कंटेनर टू के अंदर अब क्या नजर आएगा, एक डायरेक्टरी नजर आएगी माई वॉल्यूम वन के नाम से जो एज अ वॉल्यूम काम कर रही है। अब मैं उसके अंदर जो कुछ भी डालूंगा वो कंटेनर वन में नजर आएगा, कंटेनर वन वाला बंदा उस वॉल्यूम में कुछ भी डालेगा तो वो मुझे नजर आएगा, ठीक है। ये काम हम करके देख लेते हैं, हम क्या करते हैं एक फाइल बना लेते हैं माई वॉल्यूम वन के अंदर सैंपल फाइल, ठीक है। अभी ये फाइल मैं कहां बना रहा हूं, कंटेनर 2 में बना रहा हूं, ठीक है। कंटेनर 2 में मैंने सैंपल फाइल बनाई,
अब मैं कंटेनर वन के अंदर जाता हूं, उसके लिए डॉकर स्टार्ट कंटेनर वन मुझे करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा ताकि मैं कंटेनर वन में पहुंच जाऊं। और कंटेनर वन में जब मैं चेक करूंगा एलएस करके, तो वहां भी मुझे सैंपल फाइल नजर आएगी, यानी जो फाइल कंटेनर टू में बनाई वो यहां नजर आ रही है। और मैं अगर कंटेनर वन में कोई फाइल बनाता हूं, आप टेस्ट करके देखिएगा, वो मुझे कंटेनर टू में नजर आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है एक वॉल्यूम का, ठीक है, कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है। मैं दोबारा एक चीज आपको दोबारा क्लियर कर दूं, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप, आपने वॉल्यूम जो डिक्लेयर करना है वो कंटेनर को बनाते टाइम करना है। और दूसरी बात, जब आप किसी वॉल्यूम को शेयर करना चाहते हैं, किसी दूसरी वॉल्यूम को अपने कंटेनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो वो भी आप बनाते टाइम ही करेंगे। ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लैब की तरफ और यहाँ तक की लैब देख लेते हैं। तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और ये मेरा AWS का मैनेजमेंट कंसोल आपको नजर आ रहा है। मैं फिलहाल मुंबई रीजन में हूँ, तो अब मैं चलता हूँ अपनी सर्विसेज पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ EC2 इंस्टांस पे। और अभी देखें रनिंग इंस्टांस मेरे पास जीरो है, तो मैं इस पर क्लिक करके पहले एक इंस्टांस बना लेता हूँ जिसपे डॉकर हमें इंस्टॉल करना है। तो आई होप अब तक आपको आ गया होगा। तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने ये दूसरे वाला लेना है जिसमें ये डॉकर लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपको डॉकर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंस्टॉल हमें करना है। तो आप ये वाला लेके सिलेक्ट करें, यहाँ पे T2 माइक्रो रहने दें, नेक्स्ट करें, सब कुछ ऐसे ऐसे ही रखें, नेक्स्ट करें, स्टोरेज भी ऐसे ही रहने दें, टैग भी ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे इसको आप कह दें डॉकर SG, और यहाँ पे SSH ले लें और एक HTTP ले लें, दो चीज आपको चाहिए। दोनों को एनीवेयर कर देते हैं और रिव्यू लॉन्च करते हैं, लॉन्च करते हैं, यहाँ पे की पेयर ले लेते हैं जी, यही ले लेते हैं, नहीं ये नहीं, हमें नया बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लेते हैं इसको डॉकर की वन, डाउनलोड करते हैं और इसे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरा डॉकर इंस्टॉल हो गया है, ये लॉन्च हो गया है सॉरी मशीन। तो एक बार ये मशीन मेरी रेडी हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक एक काम करते हैं, इसका नाम यहाँ पे ले लेते हैं डॉकर, इसको लिख देते हैं हम और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो एक बार ये रेडी हो जाए, पेंडिंग स्टेट है, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो लीजिए जी, हमारी मशीन रेडी हो गई है। अब एक काम करते हैं, इसे सिलेक्ट करके इसकी पब्लिक IP कॉपी कर लेते हैं। तो ये इसकी पब्लिक IP है, इसे कॉपी कर लिया है मैंने। अब हम चलते हैं सबसे पहले पुटी जैन पे और यहाँ से पहले हम की को प्राइवेट की बना के सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, डॉकर की ओपन करते हैं, सेव प्राइवेट की पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं और डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए इसे 123 की के नाम से, कुछ भी नाम दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे इसे सेव कर दें और पुटी में जाएं, पुटी पे पब्लिक IP पेस्ट करें, SSH में जाएं, ऑथ पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें, डेस्कटॉप में जाके 123 की जो आपने ये अभी सेव की है इसको ओपन करें, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें और एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, ये आ गया, यस करें। और इसके बाद छोटा दिख रहा है थोड़ा सा, तो चेंज सेटिंग में जाएं, अपीयरेंस में जाएं, चेंज पे जाएं और इसको 18 कर लें, ओके करें, अप्लाई करें। और अब आपने EC2-user ये करके एंटर करना है। तो लीजिए जी, मैं अपने EC2 मशीन में आ गया हूँ और सबसे पहले sudo su करके गृह प्रवेश करते हैं, एंटर। और sudo su होने के बाद yum update कर लेते हैं पहले, yum update -y, तो सारे जो भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद yum install docker -y, आपने डायरेक्ट इंस्टॉल करना है डॉकर, तो इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो लीजिए जी, ये भी इंस्टॉल होने लगा, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको जरा स्टार्ट भी कर देते हैं क्योंकि अभी डॉकर सर्विस बंद है हमारी। तो सर्विस डॉकर स्टार्ट, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ये स्टार्ट हो जाए एक बार, तो चेक कर लेते हैं स्टार्ट हुई नहीं हुई। सर्विस डॉकर स्टेटस, तो जी हाँ, डॉकर इज रनिंग आ रहा है। आप इसको कंट्रोल L करके स्क्रीन को क्लियर कर लो। तो अब हम अपना मेन काम करते हैं जो हमें करना था।
तो सबसे पहले देखें, अगर मैं अभी ls करूंगा तो आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई फाइल अभी है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो एक बेस फाइल बना लेते हैं, दो तीन फाइल बना लेते हैं, टच फाइल वन फाइल टू, दो फाइलें बना देते हैं। ठीक है, ls करते हैं तो दो फाइलें नजर आ रही हैं। अब एक काम करते हैं, पहले एक डॉकर फाइल बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने जो है एक डॉकर फाइल बनानी है और उसमें क्या करना है, अपना एक कोड लिखना है ना। तो वी आई डॉकर फाइल करके एंटर करिए। तो ये देखें, ये मैं एडिटर में आ गया। आप कीबोर्ड का आई प्रेस करें तो अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप कैपिटल में लिखें फ्रॉम, और उसके बाद आप स्मॉल लेटर में लिखें उबुंटू, कि भैया हम उबुंटू इंस्टॉल करना है, मशीन हमारी कंटेनर में उबुंटू चलना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम हमें बनाना है, थ्योरी में सब कुछ बता चुका हूँ क्यों बनाना है कैसे बनाना है। तो अभी जस्ट आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। आपने वॉल्यूम लिखना है, स्पेस देके ये ब्रैकेट लगाना है, शिफ्ट लग के इन्वर्टेड कॉमा ये प्रेस करें आप। ठीक है, और उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और यहाँ पे लिखना है माई वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल में लिख लेते हैं, कैपिटल भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो बट हम स्मॉल में लिखते हैं माई वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद, और जी ये काम हो गया। इसके बाद एस्केप कर दें, कॉलन डब्ल्यू क्यू दबा दें और एंटर कर दें। तो ये मैंने अपना लिख दिया, बड़ा छोटा सा मैंने डॉकर फाइल बनाया है जिसमें मैंने ये लिखा है जी हमारी जो माई वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, वो एज अ वॉल्यूम की तरह आपको क्रिएट करनी है इमेज के अंदर, है ना। इमेज में आपको ये कोड चलाना है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, डॉकर फाइल से एक इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाने का तरीका क्या है, डॉकर बिल्ड, उसके बाद हाइफन टी, उसके बाद माई इमेज, और उसके बाद डॉट लगा दें। यही होता है ना जी डॉकर बिल्ड। तो एंटर करें, इससे मेरी इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो ये कहता है जी आपने दो अंदर कोड लिखे हैं, एक स्टेप वन फ्रॉम उबुंटू, ये उबुंटू को उठा के ला रहा है गरीब आदमी। उसके बाद स्टेप टू में ये कहता है जी मैंने इसको वॉल्यूम भी बना दिया है। ठीक है, तो दोनों काम इसने सक्सेसफुली कर दिया इमेज के अंदर। अब उसके बाद अगर मैं डॉकर इमेजेस करके चेक भी करना चाहूँ कि मेरी इमेजेस बनी है कि नहीं बनी है, तो हम चेक कर सकते हैं। मुझे देखें दो नजर आ रही हैं, एक उबुंटू नजर आ रहा है जो पहले मेरी उबुंटू बनी है और फिर मैंने खुद की इमेज बनाई है। ठीक है ना, उबुंटू मुझे पहले से नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं कहता हूं जी अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इमेज से कंटेनर बनाना है। तो कंट्रोल एल करके पहले क्लियर कर लेते हैं। अब हम इससे कंटेनर बनाते हैं। तो कंटेनर कैसे बनेगा इस इमेज से, डॉकर रन हाइफन आई टी, उसके बाद हाइफन हाइफन नेम, उसके बाद कंटेनर का नेम क्या देना चाहते हैं आप, मैं कहता हूं कि कंटेनर वन आप इसको नाम दे दो। स्पेस करें, किससे बनाना है, किस इमेज से बनाना है, मैंने इमेज का नाम भी दे दिया, माई इमेज से बनाना है। फॉरवर्ड स्लैश बिन, फॉरवर्ड स्लैश बैश, और जी एंटर। ये देखें जी, तो मैं अब अपने कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। आपको नजर आ रहा है रूट रूट करके एट द रेट कंटेनर आईडी लिखी हुई है। तो मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। अब मैं ls करके देखता हूँ क्या क्या है। तो यहां आप देखेंगे ना, आपको माई वॉल्यूम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो माई वॉल्यूम है ये एज अ वॉल्यूम, ये एक डायरेक्टरी है। वैसे तो ये सारी डायरेक्टरी यहाँ है जी, ये जितनी भी है सारी डायरेक्टरी है, पर माई वॉल्यूम एज अ वॉल्यूम वर्क करेगी, इसलिए मैंने इसको नाम भी यही लिखा है माई वॉल्यूम। कि यानी मैं इसमें जो कुछ भी डालूंगा वो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जी मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं माई वॉल्यूम के अंदर ही चलता हूँ। तो cd और इसके बाद माई वॉल्यूम फॉरवर्ड स्लैश, और इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं माई वॉल्यूम के अंदर आ गया। अब मैं ना यहाँ पे दो तीन फाइलें बना लेता हूँ और फाइलों के नाम देता हूँ मैं टच, और फाइल का नाम देता हूँ फाइल एक्स, फाइल वाई और फाइल जेड। मैं तीन फाइलें बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने तीन फाइलें बना दी और एंटर करते हैं तो तीनों फाइलें बन गई। अब ls करें आप, आपको तीन फाइलें नजर आ रही हैं कि भैया इस वॉल्यूम के अंदर मैंने तीन फाइलें बनाई हैं। अब मैं कहता हूँ जी आप बाहर आ जाओ, एग्जिट कर लो। मैं अपने कंटेनर से बाहर आ गया, नॉर्मल रूट एट द रेट ई सी टू हाइफन यूजर में आ गया। अब मैं कहता हूँ जी मैंने कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर मैंने वॉल्यूम में कुछ काम किया है, कुछ सारा काम किया है मैंने, कुछ फाइलें क्रिएट की हैं। अब मैं कहता हूँ यार मैंने एक और कंटेनर बनाना है और उसमें मैंने ये जो है ना ये शेयर करनी है वॉल्यूम, आपकी माई वॉल्यूम जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ उस कंटेनर के साथ, ताकि जो डेटा आपने यहाँ बनाया है ना ये फाइल एक्स फाइल वाई फाइल जेड ये उसमें नजर आना चाहिए मुझे।
तो मैंने डॉकर रन हाइफन आईटी, मैं एक और कंटेनर बना रहा हूँ, हाइफन हाइफन नेम, और उसके बाद मैं कंटेनर का नाम देता हूँ कंटेनर टू, और प्रिविलेज इसको देनी पड़ेगी हमें, तो प्रिविलेज दे देते हैं, कितनी देनी है इक्वल टू ट्रू कर दो, सारी दे दो आप, और उसके बाद हाइफन हाइफन वॉल्यूम वॉल्यूम्स फ्रॉम, तो ये आपने याद रखना है, कोई स्पेस नहीं लेना, हाइफन हाइफन वॉल्यूम्स हाइफन फ्रॉम, और उसके बाद स्पेस करके आपने जिस भी कंटेनर के वॉल्यूम को शेयर करना है आपने उस कंटेनर का नाम लिखना है। तो मैं कहता हूँ जी कंटेनर वन से आप ये शेयर करें वॉल्यूम, कंटेनर वन के वॉल्यूम को शेयर करें, तो उबंटू बाद में मैं ये कंटेनर में चलाना चाहता हूँ, और बिन और बैश, तो ये मैंने पूरी कमांड लिखी है, मैं ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, तो एंटर करते हैं। ये लीजिए जी, ये भी कंटेनर मेरा रेडी हो गया। अब मजे की बात ये है, हमें इसमें ये देखना है क्या इसमें हमें वो वॉल्यूम नजर आता है, ठीक है, तो अब हमें ये चीज चेक करनी है, जबकि मैंने ये किसी इमेज से नहीं बनाया कंटेनर, ये कंटेनर मैंने फ्रेश कंटेनर बनाया है, बट मैंने क्या किया है, मैंने इसके वॉल्यूम को, जो मैंने वो कंटेनर वन का वॉल्यूम है वो मैंने कहा है जी आप शेयर कर लें, ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूँ ये शेयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो पहले एलएस करते हैं, तो ये देखें जी यहाँ पे मुझे माई वॉल्यूम नजर आ रहा है, यानी इस कंटेनर के साथ ये शेयर हो चुका है। अब ये देखते हैं क्या इस वॉल्यूम में कंटेंट नजर आ रहा है, जो मैंने यहाँ बनाया था फाइल एक्स फाइल वाई फाइल जेड, क्या वो नजर आ रहा है, तो उसके लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो अंदर चलते हैं, माई वॉल्यूम फॉरवर्ड स्लैश एंटर और एलएस करते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड, फाइल एक्स फाइल वाई फाइल जेड, मजा आ गया, ठीक है जी, तो ये हो गया, तो यानी मेरा शेयर हो गई एकदम बढ़िया मस्त तरीके से, है ना, तो ये हुई मजेदार बात। अब एक काम करते हैं जी, अब आगे चलते हैं, तो एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट करते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अपने डॉकर को ना स्टार्ट करते हैं, कंटेनर वन को स्टार्ट करते हैं, डॉकर स्टार्ट कंटेनर वन, कंटेनर वन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्टार्ट तो कर लिया, अब कंटेनर के अंदर चलते हैं, तो डॉकर अटैच कंटेनर वन, तो मैं दोबारा से कंटेनर वन के अंदर जा रहा हूं, तो मैं कंटेनर वन में आ गया हूं। अब मैं एलएस करता हूं, अब जी यहां पर भी माई वॉल्यूम मुझे नजर आ रहा है, मैं इस वॉल्यूम में दोबारा जाता हूं, सीडी माई वॉल्यूम फॉरवर्ड स्लैश एंटर एलएस करें, देखें जी फाइल एक्स फाइल वाई फाइल जेड, ये मुझे यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ और अगर मैं डाल देता ना तो मुझे वो भी नजर आता, मैं आपको बताना भूल गया, मैं अगर पिछले वाले कंटेनर में जाता और वहां कोई फाइल क्रिएट कर देता तो वो आपको यहाँ नजर आ रही होती, तो मैं वो, चलो ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट, आई होप आपको समझ आ गया कि दोनों के बीच में अब ये शेयर हो रहा है, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं और देख, अब हम देखते हैं कि डॉकर फाइल की जगह अगर हम डायरेक्ट कमांड की हेल्प से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो ये काम कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या करें, आप सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट कर लें, इस बार मैं कंटेनर का नाम कंटेनर थ्री ले रहा हूं क्योंकि कंटेनर वन कंटेनर टू ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं अपने पिछली डॉकर फाइल के अंदर, तो अब मैं यहां पर जो दे रहा हूं सिंपल कमांड है जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, बस जो नई चीज है वो ये है कि यहां पे सब कुछ सेम है, बस ये चीज मैंने ऐड की है, बनाते टाइम ही मैं वॉल्यूम डिक्लेयर कर रहा हूं एक रूट डायरेक्टरी के अंदर, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब रूट डायरेक्टरी है, कि भैया इसके अंदर वॉल्यूम टू नाम से एक डायरेक्टरी बना दो जो एज अ वॉल्यूम काम करेगा, हाइफन वी का मतलब है कि इसे एज अ वॉल्यूम मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये चीज मेरी वॉल्यूम की तरह काम करेगी, ठीक है, तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, तो आप कंटेनर बनाएंगे बाकी सारी कमांड सेम है, डॉकर रन हाइफन आईटी नेम देना है कंटेनर का, कंटेनर थ्री उबंटू में इंस्टॉल करना चाहता हूं और बिन बैश वो है, उसके अलावा बस ये चीज मैंने यहां नई ऐड की है कि आप बनाते टाइम उसको बता दें कि भैया मैं वॉल्यूम टू नाम से एक रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहा हूं और उसे एज अ वॉल्यूम आप ट्रीट करें, वी का मतलब वॉल्यूम है। अब आप एलएस करके देखेंगे जब, तो आपको अपने बाकी सारी डायरेक्टरी के साथ वॉल्यूम टू भी नजर आ रहा होगा। Now create one file, container 3 file and exist. अब आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर एक container 3 file बना दें या कोई और sample file बना दें ताकि बाद में हम check कर सकें। तो मैंने कुछ फाइलें create कर दी इसके अंदर और मैं इस container से बाहर आ गया, ठीक है। तो अब बाहर आने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं एक और कंटेनर बनाता हूं और बनाते टाइम मैं अब इस वॉल्यूम को शेयर करूंगा उसके साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कंटेनर बनाते टाइम ही आप वॉल्यूम को शेयर कर सकते हैं। तो नाउ क्रिएट वन मोर कंटेनर एंड शेयर वॉल्यूम टू, तो अब की बार आप क्या करेंगे, कमांड वही रहेगी डॉकर रन हाइफन टी नेम कंटेनर फॉर
तो मैं जो कंटेनर बनाना चाहता हूं उसका नेम हो गया कंटेनर फोर। बाकी ये चीज नई है, प्रिविलेज ट्रू से लेकर वॉल्यूम्स फ्रॉम हाइफन हाइफन वॉल्यूम्स हाइफन फ्रॉम, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है याद रखिएगा, हाइफन हाइफन वॉल्यूम्स एस बी है यहाँ पे, वॉल्यूम्स फ्रॉम कंटेनर थ्री, यानी मैंने उसको बोला कंटेनर थ्री के वॉल्यूम को आपको शेयर करना है। मैंने वॉल्यूम का नाम नहीं बताया वॉल्यूम टू, क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक ही वॉल्यूम होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैंने कहा वॉल्यूम्स फ्रॉम कंटेनर थ्री आप उठा के लाएं, कौन सा इस डॉकर पे कौन सी, इस कंटेनर पे कौन सी ओएस चलानी है, उबंटू चलानी है, बिन बैश, यानी ये सारा काम पुराना है, आपने सिर्फ ये चीज नई जोड़ी है। प्रिविलेज ट्रू करना है, प्रिविलेज ट्रू का मतलब है जो भी इस वॉल्यूम के ऊपर राइट्स हैं वो सारे राइट्स इस बंदे को भी मिल जाएं, ये बंदा जो है कंटेनर फोर वाला ये उसमें अपने फाइल ऐड कर सके, डिलीट कर सके, सब कुछ कर सकता है ये भी। तो प्रिविलेज मैंने ट्रू कर दिया है, उसको सारे हक मिल जाएंगे, और उसके बाद मैंने वॉल्यूम्स फ्रॉम कंटेनर थ्री यानी कंटेनर थ्री का वॉल्यूम भी इसके साथ शेयर कर दो। तो ये कमांड आपको लिखनी है, लिखने के बाद कंटेनर आपका रन हो जाएगा, आप कंटेनर के अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद अब आप क्या करेंगे, वहां पे एक फाइल बना लें, नाउ क्रिएट वन फाइल इनसाइड दिस वॉल्यूम। अब आप क्या करेंगे, आप पहले वॉल्यूम के अंदर जाएं, ठीक है, आप वॉल्यूम के अंदर जाएं सीडी करके, सीडी आपको पता ही है चेन डायरेक्टरी करके, फॉरवर्ड स्लैश करेंगे आप, और जो भी आपका वॉल्यूम का नाम है वॉल्यूम टू, आप उसके अंदर चले जाएंगे। तो उसके अंदर जाने के बाद आप क्या करें कि आप एलएस करके देखेंगे तो आपको फिलहाल कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि ये खाली है। अब आप क्या करें, वहां पे कुछ फाइल्स बना लें, ठीक है, कुछ फाइल बना दें आप टच करके, टच, और वहां पे सैंपल फाइल टू दे दें आप, सैंपल टू, सैंपल थ्री, दो तीन फाइलें बना दें। अब वो फाइलें बनाने के बाद आप उससे बाहर आ जाएं, बाहर आने के बाद अब आप अपने कंटेनर थ्री में जाएं, यानी इस वाले कंटेनर में जाएं, और आप चेक करें इसके अंदर इसके वॉल्यूम में जाके, ये सारी फाइलें आपको वहां नजर आ रही होंगी। कहने का मतलब कि बनाई मैंने कंटेनर फोर में, देखिए कंटेनर थ्री मैं आपको दोबारा यहां समझा देता हूं, ये मेरा कंटेनर थ्री है और ये मेरा कंटेनर फोर है। अब मैंने यहां पे जो वॉल्यूम बनाया वो मैंने इसके साथ शेयर कर दिया, ये मेरा वॉल्यूम था वॉल्यूम टू, ये मैंने इसके साथ शेयर कर दिया वॉल्यूम टू। अब जो भी फाइल मैं यहां पे डालूंगा, मैं सैंपल टू यहां पे डालूंगा, सैंपल टू फाइल में अगर यहां क्रिएट करूंगा तो वो ऑटोमेटिक सैंपल टू मुझे यहां भी नजर आएगा। मैं ये चीज चेक करना चाहता हूं कि यहां मैंने जो बनाया है वो यहां नजर आना चाहिए, और मैं यहां अगर सैंपल थ्री बनाता हूं तो वो मुझे यहां नजर आना चाहिए। तो यही वॉल्यूम का पर्पज है कि आप वो जितने लोगों के साथ चाहे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और नया कंटेनर बना सकता हूं, आप बल्कि बनाइएगा, और वहां पे बनाने के बाद अब की बार आप इस वॉल्यूम को उसके साथ शेयर कर दें, ठीक है। कमांड आपने उसी हिसाब से लिखनी है, नए कंटेनर का नाम लिखना है और अब की बार वॉल्यूम फ्रॉम कंटेनर फोर कर देना आप, ठीक है। तो क्या होगा, कंटेनर फोर का वॉल्यूम शेयर हो जाएगा, और उसके बाद आप चेक करिएगा कंटेनर थ्री में जो कुछ भी डालोगे वो कंटेनर फोर में भी नजर आ रहा होगा, कंटेनर फाइव जो आपने बनाया है, जो नया मैं आपको बनाने कह रहा हूं उसमें भी नजर आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें आप करके देखें, आप यहां पे कंटेनर फोर बनाएं, फोर नहीं फाइव बनाएं, और इस कंटेनर फाइव के साथ अब आप शेयर करें। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, आप शेयर करके देखिएगा, और अगर ये काम आप कर पाते हैं तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरा लेक्चर पहले देख लिया करो पूरा, फिर जितने सवाल मैंने वीडियो में पूछे हैं उन्हें देने की कोशिश करा करो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आप थोड़ा गूगल करना सीखेंगे, आप थोड़ा चीजों को देखना सीखेंगे, प्रैक्टिस करना सीखेंगे, ठीक है। आप इसको बिल्कुल रियल टाइम क्लास की तरह लेके चलें, आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग सेंटर में पैसे खराब करने की, ऑनलाइन कोर्स खरीदने की नहीं, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो मेरे को रोजी रोटी चलानी है, तो कभी कभार मेरे को जो स्पॉन्सर मिलते हैं तो मैं ऐड डाल देता हूं। कई लोगों ने ये भी पूछा कि सर यार आप ये ऐड वैड के चक्कर में ऐसा ना करें कि आप कंटेंट डालना बंद कर दें, क्योंकि वो आपको फोर्स करें कि भाई ठीक है अब आप कंटेंट डालना बंद करो, हम पैसे दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। वो ऐड दे रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप कहां जाओ क्या खरीदो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप खाली पढ़ें, वो बाद में आपने अगर कोई सर्टिफिकेट लेना है, कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे सचिन तेंदुलकर आपको कह रहा है कि ये हॉर्लिक्स पीने से जो है बच्चा बड़ा हो जाता है, खुद तो लंबा हुआ नहीं वो, पर वो हॉर्लिक्स का ऐड करता है, नहीं करता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ना भाई, आप भी ले लेते हैं आपकी भी हाइट बढ़ जाती। तो वो हमें करने पड़ते हैं यार, थोड़े बहुत ऐड आप समझते हो, ठीक है। तो उससे आपने खफा नहीं होना, नाराज नहीं होना, ठीक है। आप बड़े खास है यार मेरे लिए, ठीक है, और मौज मस्ती करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे। टेक्निकल गुफ्तगू का यही एक जरिया है, यही एक हमारा एम है कि हम जो पढ़ाई जो है ना मौज मस्ती में करें, हंसी मजाक में करें। इसलिए हमारे चैनल का जो नाम है वो भी टेक्निकल गुफ्तगू है, कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, हम यहाँ पे कोई एक ट्रेडिशनल क्लास नहीं चला रहे, हम एंजॉय कर रहे हैं,
राइट, हमने एंजॉय करते हुए मौज मस्ती में पढ़ना है और शेर व शायरी भी करनी है, ठीक है। तो वो इंसान ही गया जिसने शेर व शायरी से मोहब्बत ना की, है ना। तो अगर दिल रखते हैं तो शायरी से मोहब्बत होगी, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। तो चले, यहाँ की बात हो गई, इसे भी लैब में करके देख लेते हैं। देखते हैं, कंट्रोल एल करके क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं कि कमांड की हेल्प से हमने कैसे कंटेनर बनाना है, ठीक है। अगर डॉकर फाइल से तो हमने बना के देख लिया, सिंपल कमांड से अगर यही आप काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एग्जिट कर लें पहले, ये मैं बाहर आ गया। अब आप कमांड चलाएं डॉकर रन -it --name और उसके बाद कंटेनर का नाम दे दें आप कंटेनर 3, और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लेयर करने के लिए -v मुझे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश करके मैं यहाँ लिखता हूँ volume 2। मैं volume 2 क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं volume 2 यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ Ubuntu, उसके बाद --bin/bash, एंटर करते हैं। तो लीजिए जी, मैं अपने कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। अब मैं ls करता हूँ तो अभी मुझे क्या नजर आ रही है, सारी बेसिक चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे volume 2 भी एक बन गया है, ठीक है। ये एक डायरेक्टरी है जो अब एज ए वॉल्यूम काम करेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे वॉल्यूम डिक्लेयर किया है, -v लगाया है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वॉल्यूम की तरह काम करता है नहीं करता है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इस वॉल्यूम के अंदर चलते हैं, cd volume2/ मैं वॉल्यूम के अंदर आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल बनाते हैं, फाइल बनाने का इस बार कुछ नया नाम लेते हैं। तो हम देते हैं vol1, vol2, vol3, ये नाम दे देते हैं हम इसके अंदर, और ये 3 फाइलें बन जानी चाहिए। एंटर करते हैं, ls करके देखते हैं। तो लीजिए जी, vol1, vol2, vol3 बन चुकी हैं। अब एक काम करें आप, एग्जिट कर लें, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर काम कर दिया है। अब हम एक दूसरा कंटेनर बनाते हैं और उसके साथ इसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक और कंटेनर बनाता हूं, docker run -it --name, उसके बाद इसको नाम दें आप container 4, और प्रिविलेज में दे दें --privilege = true, उसके बाद -volumes -from, और उसके बाद आप दे दें इसे, किससे बनाना चाहते हैं आप, container 3 से बनाना चाहते हैं, तो container 3 यहाँ पे लिख दें कि हम container 3 की जो वॉल्यूम है उसको शेयर करना चाहते हैं इसके साथ। तो container 3 की वॉल्यूम शेयर हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या इंस्टॉल करना है, Ubuntu, bin, और bash। तो ये कमांड है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। एंटर करें तो आप अपने कंटेनर के अंदर आ गए हैं। आप ls करें तो देखें जी, आपको यहां भी volume 2 नजर आ रहा है। अब मैं ये चेक करता हूं क्या इस नए कंटेनर में मुझे volume 2 के अंदर भी वो सारा डेटा नजर आ रहा है। तो आना चाहिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम शेयर किया है, दोनों के दरमियान शेयर हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर चलता हूं cd, और यहां पे मैं volume 2 के अंदर जाता हूं और ls करता हूं। परफेक्ट है जी, सब कुछ बना हुआ है, नजर आ रहा है। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम लोग, कहते हैं जी राजपूत फाइल हम बना लेते हैं एक, ठीक है। एंटर करते हैं तो ls करें, तो अब मैंने राजपूत फाइल यहां बना दी। अब हम इसे दूसरे कंटेनर में जाके देखेंगे, container 3 में। फिलहाल मैं container 4 में हूं, कि क्या container 3 में अब मुझे ये राजपूत फाइल नजर आती है कि नहीं आती, क्योंकि अगर शेयर हो रहा है तो जो कुछ भी मैं यहां बनाऊंगा या करूंगा वो मुझे वहां नजर आना चाहिए। तो फिलहाल मैं एग्जिट कर लेता हूं यहां से। अब मैं docker start container 3 करता हूं, इसके बाद मेरा कंटेनर रेडी हो गया है। तो मैं इसे अटैच करके इसके अंदर घुसता हूं, docker attach container 3, और अब मैं ls करता हूं, मुझे यहां volume 2 नजर आ रहा है, मैं इसके अंदर चलता हूं volume2/ ls करते हैं, और ये देखिए जी, राजपूत फाइल मुझे container 3 में भी नजर आ रहा है। यानी जो मैंने container 4 में बनाया वो container 3 में नजर आ रहा है, और जो मैंने container 3 में बनाया था वो मुझे container 4 में नजर आ रहा था। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो वॉल्यूम है, जो डायरेक्टरी थी, वो एज अ वॉल्यूम वर्क करने लगी, और वो जो वॉल्यूम है वो हम शेयर कर सकते हैं कितने भी कंटेनर्स के दरमियान। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एग्जिट कर लेते हैं,
और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। अब हम देखने वाले हैं कि भैया होस्ट से कंटेनर के बीच में कैसे वॉल्यूम शेयर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि देखें, सबसे पहले आप अपनी EC2 मशीन में जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास हमारी AWS पे बनी हुई है। और यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे कोई हमारी फाइल है या कोई डायरेक्टरी पड़ी हुई है, उसे हमें मैप कराना है। तो हम एक कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं सपोज राजपूत नाम से। तो हम क्या करेंगे, यहां जो डायरेक्टरी पड़ी है उस डायरेक्टरी को, अगर वो EC2 हाइफन यूजर नाम से पड़ी है फॉर एग्जांपल, तो हम उस डायरेक्टरी को इस राजपूत डायरेक्टरी के साथ मैप कर देंगे। मैप करने का मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और शेयर हो जाएंगी, आप ऐसा कह लें, इन दोनों के बीच में। हम इसे शेयरिंग नहीं कह सकते, डायरेक्टली शेयरिंग नहीं कह सकते, क्योंकि राजपूत नाम की यहां पर इस तरीके से नहीं नजर आ रही। पर हाँ, जो यहां पर EC2 हाइफन यूजर है वो राजपूत नाम की इस डायरेक्टरी के साथ इस तरीके से मैप हो जाएगी कि जो कुछ मैं इस EC2 हाइफन यूजर डायरेक्टरी में, EC2 हाइफन यूजर डायरेक्टरी का नाम है, जो कुछ मैं इसके अंदर डालूंगा वो इसको नजर आएगा इस यहां पर इस जगह पे, और जो कुछ मैं इस राजपूत डायरेक्टरी के अंदर डालूंगा वो मुझे यहां पे नजर आएगा EC2 हाइफन यूजर के अंदर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है होस्ट से कंटेनर के बीच में, अगर आप दो डायरेक्टरीज को आपस में मैप करना चाहते हैं और डेटा शेयर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप अपनी EC2 मशीन में जाएं और देखें कुछ फाइलें पड़ी होंगी, ठीक है, आप ls करके देख ले, ठीक है। तो आपने कहाँ जाना है, आपने होम में जाना है, रूट डायरेक्टरी के अंदर होम में जाना है और उसके अंदर EC2 हाइफन यूजर नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, और हम सारा काम इसी में करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस डायरेक्टरी में, ये एक डायरेक्टरी है, EC2 हाइफन यूजर यूजर का नाम नहीं है, ये एक डायरेक्टरी है एक्चुअल में। तो हम इसके अंदर सारा काम कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई कुछ फाइलें इसके अंदर पड़ी हैं। अब हम कहते हैं एक आप एक कंटेनर बनाओ, डॉकर रन हाइफन टी, कंटेनर का नाम दे दो होस्ट कंटेनर फॉर एग्जाम्पल, और एक वॉल्यूम आप क्रिएट करो। किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार डिक्लेयर करने का तरीका अलग है। यहां पे जो हिस्सा मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है EC2 मशीन की डायरेक्टरी का पाथ, ठीक है, और कॉलन लगा के जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है कंटेनर की अंदर जो डायरेक्टरी मैंने बनाई है वो। और मैं कहता हूं कि इन दोनों को आप एज अ वॉल्यूम डिक्लेयर कर दो। यानी किस किस को वॉल्यूम डिक्लेयर किया है, ये जो कॉलन से पहले, ये जो कॉलन लगा हुआ है, इस कॉलन से पहले वाला जो हिस्सा है ये होस्ट का पार्ट है, ये होस्ट है, और ये वाला कंटेनर है, कॉलन के बाद वाला कंटेनर है। मैं कहता हूं ये जो कॉलन है ना, ये कॉलन का काम है इन दोनों को जोड़ना आपस में, इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। तो मैं कहता हूं कि इस होस्ट को कंटेनर के साथ आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर दो, ताकि दोनों शेयर कर सके, जो कुछ भी एक के अंदर है वो दूसरे को नजर आ जाए। तो आपने क्या करना है, होस्ट का पाथ बताना है, एग्जैक्ट पाथ बताना है आपने। तो आप रूट डायरेक्टरी में होम में जाए, तो फॉरवर्ड स्लैश रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर होम के अंदर जाना है, ये फॉरवर्ड स्लैश बता रहा है कि अब मैं आगे जाना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं उसे, डिफरेंशिएट कर रहा है होम को और EC2 को। तो फिर फॉरवर्ड स्लैश मैंने लगाया, और अब मैं कहता हूं होम के अंदर एक EC2 यूजर बनी हुई है, एक डायरेक्टरी बनी हुई है उसको, और कॉलन के बाद किसमें, रूट के अंदर राजपूत नाम से जो कंटेनर के अंदर, यानी कॉलन के बाद वाला हिस्सा कंटेनर का है, उसके अंदर जो राजपूत नाम की फाइल है, दोनों को आप एज अ वॉल्यूम ट्रीट करो दोनों को, और दोनों को मैप करा दो। कॉलन का मतलब होता है इन दोनों को मैप कर दो, दोनों को वॉल्यूम बना दो और दोनों को मैप कर दो। तो क्या किया, इन दोनों को वॉल्यूम बना दिया, और इन दोनों के दरमियान मैंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया कि जो कुछ यहां डलेगा वो यहां दिख जाएगा, जो कुछ मैं यहां डालूंगा वो इसको यहां दिख जाएगा। तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, होस्ट और कंटेनर के बीच में। तो ये वो स्टेप्स है कि अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूं कंटेनर बनाने के बाद, ठीक है। बाकी स्टेप तो सेम है, डॉकर रन हाइफन टी कंटेनर बनाया, उबंटू इंस्टॉल किया, बिन बैश किया। उसके बाद अब मैं कंटेनर के अंदर, मैं राजपूत के अंदर आता हूं, राजपूत नाम की जो डायरेक्टरी मेरी बनी है, क्योंकि वो बनी होगी, मैंने यहां डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, तो वो एज अ वॉल्यूम क्रिएट हो गई है। तो मैंने राजपूत के अंदर गया, मैंने यहां जाने के बाद मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे मेरी होस्ट की सारी फाइलें नजर आ रही हैं। क्यों नजर आ रही हैं, होस्ट के अंदर जो EC2 हाइफन यूजर में जो कुछ था वो मुझे यहां नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि अब ये मैप हो गई है। मैप होने का मतलब है जो कुछ वहां पड़ा था वो अब इसे कंटेनर में दिख रहा होगा, ये उसका इस्तेमाल कर सकता है, उन फाइल्स को यूज कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। अब मैं अगर यहां कोई फाइल बनाता हूं राजपूत फाइल नाम से, सपोज मैंने कंटेनर के अंदर कोई फाइल बनाई और मैं जब उसे अपनी EC2 मशीन के
इस फोल्डर में चेक करूंगा, डायरेक्टरी के अंदर चेक करूंगा तो मुझे नजर आएगी। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं कि मैपिंग कैसे करते हैं होस्ट के और कंटेनर के दरमियान, ठीक है। तो ये हम करके देखेंगे। फिर कुछ अदर कमांड्स मैंने यहां पे लिख दिया, बेसिक कमांड्स हैं, इनका मैंने यूज नहीं किया है बट मैंने लिखा है और मैं आपको लैब में करके दिखा दूंगा कुछ कमांड्स का इस्तेमाल। तो ये कुछ बेसिक कमांड है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, जैसे कि डॉकर वॉल्यूम एलएस। इससे क्या होगा, जितने वॉल्यूम क्रिएट होंगे लोकली वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, आप अपने मशीन पे डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। आप लोकल मशीन पे अगर वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और उसके बाद वॉल्यूम का नाम, ऐसे भी वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे ये सुनना चाह रहा हो बजाय इसके, तो आपने सबसे पहले ये भी बता देना है कि नॉर्मल वॉल्यूम आपने क्रिएट करना है तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और वॉल्यूम का नाम। ऐसे अगर आपने वॉल्यूम डिलीट करना है, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम डिलीट करना है, तो आरएम कमांड डिलीट के लिए होती है, डॉकर वॉल्यूम आरएम और उसके बाद वॉल्यूम का नाम, वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। डॉकर वॉल्यूम प्रून होता है उन सारे वॉल्यूम्स को डिलीट करने के लिए जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, शेयर नहीं हो रहे, तो उसको आपने अगर डिलीट करना है तो डॉकर वॉल्यूम प्रून आप कर दें, अपने आप वो वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। अनयूज्ड जितने भी होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। जो यूज हो रहे हैं वो डिलीट नहीं होंगे, उनको यूज डिलीट करना है। जो यूज हो रहे हैं तो आपने आरएम कमांड का इस्तेमाल करना है। डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, ये होता है आपने अगर अपने वॉल्यूम की डिटेल्स चेक करनी है, सारी इंफॉर्मेशन की वॉल्यूम से जुड़ी हुई क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट और वॉल्यूम का नाम, ठीक है। ऐसे ही कंटेनर से जुड़ी अगर सारी इंफॉर्मेशन आप चेक करना चाहते हैं तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और कंटेनर का नाम। तो ये कुछ और बेसिक कमांड्स हैं जो मैंने लिख दी हैं, आप लिख लीजिएगा, आपको काम आएंगी कहीं ना कहीं इंटरव्यू में। तो अब चलते हैं लैब पे और देखते हैं इसे करके। तो आपको बोर्ड पे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब जरा हम अपना ये होस्ट टू कंटेनर वाला भी करके देख लेते हैं। तो मैं कंट्रोल एल करके इसको क्लियर कर लेता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि होस्ट और कंटेनर के दरमियान जो मैपिंग होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले देखें हम अभी कहां पे हैं, EC2 हाइफन यूजर में हैं, है ना। अब यहां पे मैं अगर इसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूं तो मुझे क्या नजर आती है पीडब्ल्यूडी करने पे, ये कहता है जी आप इसके अंदर हैं, रूट के अंदर होम में या होम के अंदर, आप EC2 हाइफन यूजर के अंदर है, ठीक है ना। अगर आप फिर भी चेक करना चाहें तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, CD स्पेस डबल डॉट लगा दो आप, तो देखो मैं आप कहाँ आ गया, मैं होम में आ गया, यानी EC2 हाइफन यूजर क्या, ये डायरेक्टरी है होम के अंदर, है ना। तो मैं देखें इसके अंदर आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे LS करके देखता हूँ क्या नजर आ रहा है मुझे, EC2 हाइफन यूजर नजर आ रहा है ना। तो मैं इसके अंदर था, तो अब दोबारा यहीं पे जाना है मुझे, तो मैं CD EC2 हाइफन यूजर फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं इसमें आ जाता हूँ। मैं आ गया दोबारा से इसमें। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे LS करके देखता हूँ पहले कि क्या क्या है मेरे पास। तो मेरे पास तीन फाइलें हैं, डॉकर फाइल है, फाइल वन है, फाइल टू है, तीन चीजें मेरे को यहाँ नजर आ रही। अब अगर ये मैप हो जाएगा मेरे कंटेनर के साथ तो मुझे कंटेनर के डायरेक्टरी में या वॉल्यूम जिसे आप कहते हैं उसके अंदर नजर आनी चाहिए ये। तो अब एक काम करते हैं कि कंटेनर बना लेते हैं, डॉकर रन हाइफन IT हाइफन हाइफन नेम, उसके बाद हम यहां पे इसको नाम देते हैं होस्ट कौन, ठीक है ना, होस्ट कंटेनर आप कह लें, होस्ट कंटेनर मैंने इसको नाम दे दिया। और हाइफन V मैं कहता हूं जी आप मैपिंग कर दो, दोनों को वॉल्यूम बना दो, किस किस को, फॉरवर्ड स्लैश होम और उसके बाद EC2 हाइफन यूजर आप लिखें, उसके बाद यहाँ कॉलन लगा दें। कॉलन लगाने से दोनों चीजें मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, दोनों में मैपिंग हो जाएगी। और किसके साथ करना है जी, आप राजपूत नाम से मैं एक बना रहा हूँ, आप उसके साथ मैप कर दें इसे, ठीक है ना। मैं कंटेनर के अंदर राजपूत नाम से एक बनाना चाहता हूँ, मेरा जो वो क्या बोलते हैं उसको आप डायरेक्टरी, है ना, तो उसको आप वॉल्यूम बना दें। उसके बाद हाइफन हाइफन प्रिविलेज कर दें आप, और उसके बाद प्रिविलेज को इक्वल टू ट्रू कर दें आप, इसके बाद स्पेस दें, फिर आप लिखें उबुंटू, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश, और जी हो गया काम, आप एंटर करें। तो लीजिए जी मैं अपने कंटेनर में आ गया हूं, आप LS करें तो मुझे यहां पे क्या नजर आ रही है जी, राजपूत नाम से एक डायरेक्टरी नजर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। अब यहां पे ना ये तीनों फाइलें नजर आनी चाहिए मुझे, ये डॉकर फाइल, फाइल वन, फाइल टू, क्यों, क्योंकि ये मेरी बेस मशीन यानी होस्ट मशीन में पड़ा हुआ है और मैंने उसको मैप कर दिया है। मैंने कहा है जी ये जो वॉल्यूम बना दो आप होम हाइफन EC2 यूजर को मैप कर दो राजपूत के साथ, तो ये राजपूत वाली जो है ना वॉल्यूम, इसके साथ ये वाली वॉल्यूम दोनों मैप हो जाएंगे, यानी जो कुछ इसमें है वो इसमें आ जाएगा, जो इसमें है वो इसमें आ जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं जरा इसी जादू को हम।
तो यहाँ पे हम सीडी राजपूत और फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और एंटर करते हैं। अब एलएस करते हैं। जबरदस्त है जी, जबरदस्त है, मजा आ गया जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया। डॉकर फाइल, फाइल वन, फाइल टू, है ना, आ गया जी सब कुछ। खुश हो गए आप? आज तो आपने काफी कुछ सीख लिया है ना, तो लाइक कर देना वीडियो को, है ना, और दोस्तों से भी करवा देना। कहोगे यार भूपिंदर सर बहुत बार कह देते हैं, कर देते हैं सर, हम तो देखते ही कर देते हैं आपकी वीडियो को लाइक। चले यार बहुत अच्छी बात है, बड़े खूबसूरत लोग हैं आप। और यहाँ पे मैं अभी से एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ, और अब मैं अगर यहाँ एलएस करके देखूँ तो मुझे यहाँ भी यही फाइलें नजर आ रही हैं, यानी जो मेरी होस्ट में है वही मुझे कंटेनर में नजर आ रही थी, यानी मैपिंग मेरी बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। इवन अगर मैं कुछ और यहाँ पे क्रिएट करता ना अपने कंटेनर में, वो तो मुझे यहाँ नजर आता। आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम दोबारा से कर लेते हैं डॉकर स्टार्ट, और कंटेनर का नाम क्या है हमारा, होस्ट कंटेनर, है ना, होस्ट कॉन्ट, ये वाला नाम है हमारे कंटेनर का। तो हम कहते हैं जी डॉकर स्टार्ट होस्ट कॉन्ट। इसके बाद अब हमें डॉकर अटैच करना है, डॉकर अटैच होस्ट कॉन्ट। आ गया जी मैं कंटेनर के अंदर। मैं कहता हूं अब इसके अंदर कहां जाना है मुझे, मुझे जाना है इसके अंदर सीडी, और उसके बाद मैंने कौन सी इसके अंदर बनाई हुई थी, राजपूत बनाई है, तो मैं राजपूत फॉरवर्ड स्लैश इसके अंदर चलते हैं, और यहां मैं कहता हूं जी टच एक्स वाई जेड और MMH HHUM, है ना, इस तरीके से तीन चार मैंने उल्टी सीधी फाइलें बना दी, और एंटर करते हैं। अब मैं इसे एग्जिट करता हूं, तो ये मैंने कंटेनर में बनाई है, तो ये अगर मैप अच्छे से हुआ है तो मुझे ये मेरी होस्ट मशीन में भी नजर आनी चाहिए। आप यहाँ पे जाएं एलएस करें, और ये देखें जी जितनी उल्टी सीधी फाइलें बनाई थी ना मैंने सब नजर आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड मैपिंग, है ना, और इस लैप को करने के बाद इस मशीन को आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो मैं यहां से इसे क्लोज कर देता हूं आपके सामने, और यहां जाके मैं इसे भी जो है बंद कर देता हूं। एक्शन में जाइए, इंस्टांस स्टेट में जाइए, और यहां पे टर्मिनेट इंस्टांस करिए, टर्मिनेट करिए, तो ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब समझ आ गई होगी, सब कुछ बढ़िया से हो गया होगा, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई थोड़े मोटे डाउट है। अरे यार ये क्या चिपक रहा है मेरे पैर में, इसे हटाते क्यों नहीं हो? तो ये जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो आपके आई होप आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगे, और अभी हम डॉकर पे और कुछ भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो हम एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए डॉकर के अभी एक दो लेक्चर और मैं बुनियादी लेक्चर बनाऊंगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। लेकिन वीडियो को शेयर थोड़ा कम कर रहे हो आप, क्योंकि वीडियो पे व्यूज 4000 हो जाते हैं, 5000 हो जाते हैं, लाइक 100, 200, 400, मुझे समझ नहीं आता जो लोग देखते हैं वो कंजूसी क्यों करते हैं, लाइक का पैसा नहीं लगता है मेरे भाई, कर दिया करो, ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए बात को किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं, और आज अपना ही लिखा कुछ आपको सुनाते हैं। एक गजल है, ये मैंने काफी पहले लिखी थी 2012 में, आज वो शेयर करता हूं आपके साथ। कि दीवारें बेच दी घर बचाए रखा, दीवारें बेच दी घर बचाए रखा, चेहरे की जवानी बेचकर आईना बचाए रखा, महफिल से तौबा न यार दोस्त रखे, महफिल से तौबा न यार दोस्त रखे, दुआ सलाम का लेकिन रास्ता बनाए रखा, तकिए की सिलवट बिखरे पड़े कागज, तकिए की सिलवट बिखरे पड़े कागज, जो बच सका तेरे बाद बचाए रखा, तेरा नाम तेरी तस्वीर तेरे खत अब नहीं, तेरा नाम तेरी तस्वीर तेरे खत अब नहीं, आंखों में मगर तेरा ख्वाब बचाए रखा, वफा मुलाकात ख्वाब हसरतें कुछ भी तो मुझे मंजूर नहीं, वफा मुलाकात ख्वाब हसरतें कुछ भी तो मुझे मंजूर नहीं, बाद तेरे बस तेरा अलविदा बचाए रखा, ना बातों में ना आंखों में तुम झलकते हो, ना बातों में ना आंखों में तुम झलकते हो, महताब मगर रातों के लिए बचाए रखा, किस मुंह से कहूं तुम बहुत याद आते हो, किस मुंह से कहूं तुम बहुत याद आते हो, मेरे बाद भी जो तुमने एक रास्ता बचाए रखा, मेरे बाद भी जो तुमने एक रास्ता बचाए रखा। बात तो खैर सही है, मैंने एक सीरियल देख रहा था, एक सीरियल है बड़ा फेमस मेरे पास तुम हो, उसमें मुझे शहवार का वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है कि अगर औरत के पास ऑप्शन हो तो वो शौहर को छोड़ देती है।
चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआ में याद रखिए।